फतिमा शमशान परिसर में बनी दुकान को किराएदार से खाली कराने हेतु भूमि मालिक ने प्रशासन से लगाई गुहार। भूमि मालिक की शिकायत पर खटीमा के उप जिला अधिकारी रविंद्र बिश्न ने मौके पर जाकर दस्तावेज चेक कर मौका मुआयना किया और दोनों पक्षों को एक सप्ताह में विवाद सुलझा लेने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि वही दुकान में 2004 से रह रहे किराएदार अतीत अहमद का कहना है कि उन्हें और दुकान शमशान घाट कमेटी के द्वारा 1.5 लाख की पगड़ी दिए जाने को कहा गया था, जिसका उन्होंने समय पर किराया जमा किया है। आज उन्हें बेवजह आल्हा रसूख वाले लोगों के द्वारा परेशान किया जा रहा है। वही भूमि पर दावा करने वाले शुभम गुप्ता का कहना है कि यह उनकी पैतृक जमीन है और उन्होंने जमीन व दुकान पर खुदगी दिलाए जाने हेतु प्रशासन से गुहार लगाई, जिस पर आज प्रशासन द्वारा जगह का मुआयना किया गया। वही उप जिलाधिकारी रविंद्र बिश्न ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि इस जमीन की रजिस्ट्री दस्तावेज हमने चेक किए हैं, जिसके अनुसार शिकायतकर्ता जमीन का मालिक है। ऐसे में हमने दोनों पक्षों को एक सप्ताह में आपसी सहमति से विवाद सुलझा लेने के निर्देश दिए। कोई एक भूमिधर है उसके वहाँ पर किसी वक्फ बोर्ड ने शमशान कमेटी ने कोई एक दुकान आवंटित कर दी, हालांकि ये भूमि जो है किसी व्यक्ति विशेष की है, तो उसके द्वारा कहा गया कि किराए में जो शमशान कमेटी ने गलत दिया गया है, जबकि उसकी भूमि नहीं। हमने रिकॉर्ड भी चेक किए तो ये पाया गया कि ये भूमि जो है भूमिधर श्रेणी एक की एक व्यक्ति विशेष की है, तो लिहाजा ये जो शमशान कमेटी ने इनको जो किराए में दुकान खोली गई वो गलत खोली गई है। इनको एक हफ्ते का टाइम दिया कि आपस में समझौता कर लें और ये निष्कर्ष निकालें कि क्या इसको किराए में ये जो व्यक्ति विशेष है उसको रखना चाहता है अथवा नहीं, वरना इसको खाली करने का आदेश कर पाते। कमेटी ने किस कारण से और किस वजह से इनको ये दुकान आवंटित किए एक जाँच का विषय है। एक बार वो तहसील में उनको तलब किया गया, एक हफ्ते का टाइम दिया। हिस्ट्री वाली ज़मीन है, जब से हम लोगों ने होश संभाला हम लोग तो 4-5 महीने से इनसे रेगुलर कह रहे हैं कि खाली करने को, ना किराया दिया जा रहा ना खाली की जा रही है। तो अब हमने शासन प्रशासन से न्याय के लिए गुहार लगाई है, तो शासन प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है। कितने वर्षों से इनका कब्जा है? करीब 4-5 साल हो गए हैं कब्जे को, और अभी हमारा 5-6 महीने से इनसे कहा जा रहा है ना किराया दे रहे हैं ना वो कुछ खाली करने को। आपको कब पता चला कि ये जमीन आपके माता पिता के देहांत के बाद? हमें मतलब पहले से पता था, लेकिन माता पिता के देहांत के बाद हम लोगों ने इस पर कार्रवाई करी। आपका नाम? शिवम जी ने और नवनीत बालू ने दी थी दुकान, थी हमें किराए पर थी, हमसे इसका पैसा लिया गया था, उसकी हमें रसीद दी थी, उन्होंने हमें किराना में लिख के दिया था हमको, था उसका। हम 2004 से उसमें रह रहे हैं किराएदार में, हमने उनको किराया दिया शमशान भूमि को। आज एग्जाम एजेंट साहब कह रहे हैं कि दुकान खाली करो, दुकान इनकी है। तो वो लोग नवीन टैंड वालों ने दी थी हमें, और पुरुषोत्तम लाल जी थे और क्या नाम इनका टंडन जी, शमशान भूमि की ज़मीन है ये, हमसे कहा था उन्होंने शमशान भूमि की ज़मीन है ये। उस टाइम कितने रकम, कितने रकम लिया गया था आपसे? हैं कितने रकम? ऐसे एक साहब एक 1.5 लाख के आसपास लिया था हमसे। अब 7 दिन ना कुछ तो करेंगे साहब, हम जो भी करेंगे देखेंगे साहब, जाकर उनसे बात करेंगे हम कि तुमने हमें कोरा क्यों किया, या हमें तुमने 4 जून की दुकान में जी बैठा दिया तुमने हमें, या तुमने उनसे कुछ समझौता कर लिया हमें क्या मतलब चीज़ से। अब हम उनसे बात करेंगे, उनको हम लेकर जाएंगे।